आदरणीय भगवान, टॉपिक की चर्चा तो मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बताते हुए मुझे बेहद संतुष्टि हो रही है कि आज मेरे श्री चार्ट महालक्ष्मी अनुष्ठान के 37 सप्ताह संपन्न हो चले हैं। श्री चार्ट महालक्ष्मी जी अपने साक्षात एवं सजीव रूप में मेरे क्लाइंट्स का मार्गदर्शन करके मुनाफा बनवाती रहें, इसी प्रार्थना में मैं आजीवन अंतिम सांस तक लगा रहूंगा। आदरणीय भगवान, ब्याज दरें कटने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, साथ में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को नई सब्सिडी दे दी है। टू व्हीलर अब 10,000 रुपए सस्ते हो जाएंगे, मतलब उनकी बिक्री बढ़ेगी, तो जनता खरीद रही है टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों को। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट अतरंगी होता है, मैं उल्टी सलाह देता हूँ। मेरी फोकस है मेटल एंड माइनिंग कंपनियों के ऊपर, क्योंकि अगर ब्याज दरें गिरती हैं तो मेटल्स की डिमांड आसमान छूने लगेगी। ये जो ब्याज दरों के कटने का कार्यक्रम है वो आगामी 2 वर्षों तक चलता रहेगा। कटती हुई ब्याज दरें मेटल्स के लिए अच्छी होती हैं, खास तौर पर सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, इवन जिंक भी, उनके दाम भी चढ़ सकते हैं। चाहे तो आप देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम सबके दाम चढ़ गए हैं। एल्यूमिनियम की तो डिमांड डबल होने वाली है। विदाउट सिल्वर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर वगैरह कुछ संभव नहीं है। सिल्वर अब इंडस्ट्रियल मेटल है, तो सिल्वर को खेलने के कई तरीके हैं, जैसे सिल्वर बीज ETF है, हिंदुस्तान जिंक है, वेदांता है। इन तीनों में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, किसको खेलना बेहतर होगा, उसकी रिकमेंडेशन मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले दी हुई है। आपसे भी निवेदन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमान।